साहब, यानी बड़ी जंग है और ये हो रही है अमेरिका और चाइना की तरफ ये कोई ये किस तरह से जंग हो रही है यानी ये कोई फौजें लड़ेंगी आपस में फ्यूचर में लड़ाई होगी कैसे या ये इसकी शक्ल फौजें हो नहीं लड़ेंगी अच्छा और ये वो एरिया में जाएगी जिसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह क्योंकि आपने मुझे याद है दस, दो हजार बारह तेरह के दस बारह साल हो गए आपने जिक्र किया था बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड फाइव जी की बात हो रही थी we were discussing in Dubai. और वो इसमें आपने काफी अपना थीड ऑफ द ग्रेट टेक राइवलरी एक डॉक्यूमेंट आया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चाइना यूनाइटेड स्टेट्स टू पेजेस का है गूगल hmm. में देख लें वो कहते हैं कि चाइना इज ओवरटेकिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिंथेटिक और अभी परसों क्या हुआ, हुआ? शी जिनपिंग ने होस्ट किया है टॉप वेस्टर्न एग्जेक्टिव को सारे पहुंचे हैं एप्पल हो वो ब्लैक रॉक वाले सारे सारे कुछ और दे वर सो तो नहीं तो ये टेक्नोलॉजी की और दे, की इज इज द द न्यू न्यू ऑयल ऑयल याद अच्छा एंड वो जो ना अब दुनिया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है और इसमें हाई टेक इज द की थिंग चाइना ने चाइना पहले कहते थे फैक्ट्री दुनिया की फिर कहते थे ये सिविल इंजीनियर है सड़कें बनाते हैं डैम बड़े अच्छे बनाते हैं फिर अब इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी मुझे, मुझे ये बताएं मुझे मैं जरा एक दफ़ा दोबारा आपसे बात पूछता हूँ इसका फॉल आउट रीजन में होगा जो गजा में हो रहा है और हो चुका है तकरीबन हो, हो चुका है अच्छा ये जो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है रशिया और चाइना तो खुल के आ गए फलस्तीन के साथ एक जो अनाउंस किया था 20 सितंबर को बाइडन और मोदी ने आई इंडिया मिडल ईस्ट इसराइल यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर याद है

फर्क पड़ गया ऑस्ट्रेलिया विल बी मोर न्यूट्रल नाउ सिर्फ उनके कैंप में जापान, इंडिया, अच्छा। इंडिया शामिल नहीं करूंगा उसमें। अच्छा। हाँ। तो अच्छा ईरान जो है ईरान की क्या पोजीशन है विद इंडिया क्योंकि ईरान अमेरिका की पाबंदियां भी हैं अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है कि जी आपकी जो पाइपलाइन है उसके ऊपर हमें तहफात हैं लेकिन इंडिया ईरान के साथ उनके इंडिया, इंडिया के के तारू करते हैं इंडिया पे पाबंदियां लगी हैं करीबी है अच्छा वो परवाह नहीं करते अमेरिका इंडियन अमेरिकन एनओसी की हम तो हाथ मिलते रहते हैं डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या सा बाजार का मूड कैसा है उन्होंने बात नहीं की उनका दिस जरा कोर इंटरेस्ट और उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया तेल भी सब ले रहे हैं रूस से भी तेल ले रहे हैं और ईरान ए, 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 से भी कोलेबोरेशन कर रहे हैं और चाबहार पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलेबोरेशन है लेकिन वो स्पेशल रिलेशनशिप ईरान से नहीं बन सकी क्योंकि अमेरिका की वजह से अमेरिका ने इस शर्त पर न्यूक्लियर डील की अफगानिस्तान ने अब आउटलेट टू सी फॉर अफगानिस्तान अच्छा उसका मतलब जा रहा है तो नहीं गवादर उधर ही है लेकिन गवादर में हम नलायकी तो बंद करें ना अगर गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशत गर्दी होगी और हर साल दो साल बाद हो जाती है मुतवात या धरना हो जाएगा पिछले हफ्ते धरना भी था एक तो आप और चाइनीज़ को आपने बंद कर दिया है एक छोटे से होटल में बाहर नहीं निकल सकते उनको दहशत खौफ जो बाजार जाएंगे तो दहशतगर्द मार देंगे अगर गवादर के अंदर सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते दैट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सिस्टम आर गवर्नमेंट

ईरान नहीं आ, इंडिया की इन्वेस्टमेंट इन, बना इंडिया, गया पीछे है इंडिया, पीछे गया। ए, इंडिया को कहा गया था या तुम न्यूक्लियर डील करो या आई पी -आई करो, अच्छा, इरान, इन दोनों मुल्कों के साथ हमारे कशीदा हो गए हालिया ईरान और अफगानिस्तान के साथ कशीदा हुए हैं और चाइना के साथ बहुत ईरान और देखे ना हमारे चार में से तीन हमसायों से ताल्लुकात खराब है इंडिया ने खैर खुद पंगा लिया था हमला किया था लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में हमारा मिलिट्री क्लैश तो हुआ है ना और चाइना खुश तो नहीं है उनके बंदे मारे जा रहे हैं इधर बाद कोई ना कोई वाक हो जाता है और हम क्या करते हैं माजत करते हैं मजम्मत करते हैं और फिर कहते हैं हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे मैंने तो कोई नहीं देखा कैफरे किरदार तक पहुँचाया अभी तक किसी को अच्छा भी नहीं गया ना आप प्रिवेंट कर सके हैं ना आप प्रोटेक्ट कर सके हैं ना अच्छा ईरान ईरान जो है वो अब चाइना के ज्यादा करीब है पाकिस्तान से पाकिस्तान ज्यादा करीब है मेरे ख्याल में दोनों उतने ही करीब हैं पाकिस्तान बड़ा करीब है देखें ना तेईस मार्च को चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का साथ ईरान के साथ उनकी नेवल हुई है चाइना रशिया ईरान के एक एट पार है लेकिन इस वक्त चाइना अफगानिस्तान के ज्यादा करीब है बनस्पत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अच्छा तो दोनों जो पाकिस्तान के हमसाएं हैं मगरबी चीन उन दोनों से बड़े अच्छे तल्ल रखता है पाकिस्तान के बरक्स अच्छा इसको ठीक करने में कितना अर्सा लगेगा इसको ठीक करने का आप चाइना को इन्वॉल्व करें देखें मैं समझता तो हूँ अफगानिस्तान के लिए वी नीड ए रीजनल अप्रोच छः हमसाएँ हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान ईरान चाइना ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान मेनिस्तान उजबेकिस्तान उसमें उसको भी डालें अपना रशिया को भी अमेरिका भी चाहता है अगर है तो उनको कैड करके चाइना के जरिए हम अपने ताल्लुक बेहतर करें अल्लाह की शान एक जमाना था कि चीन हमें कहता था कि हमारे है मुझसे कराओ अब हमें काबुल जाना पड़ेगा वाया वायाबी बड़ा तेजी से बड़ी तेजी से में। अच्छा हमारी रीजनल अप्रोच हमें रीजनल रीसेट की जरूरत है डॉक्टर साहब हमारी खारजा पॉलिसी ड्रिफ्ट हो रही है नहीं तो क्या अचानक क्या हो गया ये, आ, ये तो बहुत अजीब सी बात हो रही है ना स्ट्रेटेजिक फोकस ठीक नहीं हमारी अफगान पॉलिसी तीन दफा तो चेंज हो चुकी जब अमरीकन का कब्जा था तो हम तालिबान को सपोर्ट करते थे कि अफगान तालिबान गुड तालिबान है जब अमेरिका का कब्जा खत्म हुआ तो हमने टॉक शुरू कर दी हमारे फौजी अफसर भी गए उधर डी जी आई एस आई भी गए काबुल मुजाकर करने टी टी पी से और अब यह हुआ गया कि अब बम्बारी की नौबत आ गई है तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रेटिजिक क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर बॉर्डर भी बंद कर देना इस वक्त ईरान अफगानिस्तान की तजारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तजारत से बहुत ज़्यादा है लेकिन हम तजारत की बात करते हैं तीन हमसायों से बाढ़ लगी हुई है फिर हम कहते हैं कि दहशतगर्द को रोकने के लिए बाढ़ बनाई थी अब हम कहते हैं कि गर्द वो वीजा आते हैं। तो चाइना के थ्रू बॉर्डर बंद कर देते हैं। के मामला करने चाहिए अच्छा, आप और अगर से मामला... से पंगा नहीं ले सकते उसका उसका असर जो है वो बाकी अरब कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट पे सब पड़ेगा किसका अगर चाइना नहीं जो पाकिस्तान के अंदर देखा एक और चीज हुई है पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं दहशत गर्दी के चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर पखतनख्वा हो उनका ताल्लुक अब रीजनल जियो पॉलिटिक्स से हो गया है खैबर पखतनख्वा टी टी पी उसकी जड़ें अफगानिस्तान में हैं बी एल ए उसका लिंक ईरान से तो है ना ईरान का भी रोल है ईरान कहता है कि जैश उलदल पाकिस्तान में है हम कहते हैं बी एल एरान में है तो हमें उनसे मिल के करना पड़ेगा और चाइना जो है वो खुद विक्टम है टेररिज्म का वो तो खुद उनके पीछे मजलूम है और मेरे ख्याल में चाइना ने जो आपको ऑफर किया है कि हम, हम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला दैट ऑफर किसी और लाए मगरबी मुल्क को इस इशू को हम खुद हैंडल करें रीजनली और चाइना से मिलकर हैंडल करें क्योंकि अगर हमसे खुद काबू नहीं आ रही सिचुएशन तो हमें फिर काम करना पड़ेगा ना हमारी काउंटर टेरिज्म स्ट्रेटेजी के अमेरिका चाहता है कि इंडिया उठे ऊपर या अमेरिका, अमेरिका चाहता है कि इंडिया कहीं दबा दबा अमेरिका चाहता तो इंडिया है इंडिया में ये सोच भी मेरे कुछ लोगों लो से तो बात नहीं, कहते हैं कि अमेरिका में में ये भी है वो वो जो थोड़े दिन बाद उठे जरूर लगाते हैं उठे जरूर लेकिन वो उठे चीन के खिलाफ अमेरिका में थोड़ी सी मेरे ख्याल में एक रिव्यू हुआ है इंडिया पॉलिसी का अच्छा दो तीन वजुहत है एक यूक्रेन इंडिया ने साथ नहीं दिया अमेरिका का दूसरा ये दहशत गर्दी जो इंडिया के रॉ फैला रहा है मगरब ममालिक में वो हो गया और तीसरा हिंदुत्व इंडिया के अंदर बड़ी शिकायतें इंडिया की जो शिकायतें हैं ना वो अमेरिका तक पहुंच गई हैं और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया की जमहूरीत इंडिया की सेकुलरिज्म इंडिया का जो आ, 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 सारा लबादा था आ, वो तो ह्यूमन राइट्स का वो तो बेनकाब हो गया ना वो तो एक बड़ी एक बदबदार किस्म का एक हिंदुत्व रियासत बन रही है जो तकसीम की बुनियाद पर तजाद की बुनियाद पर इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर लेकिन क्या नहीं जैसी भी बन रही है अमेरिका तो एक्सेप्ट 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 करने पे मजबूर है 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 ना ना उसको वो वो तो वो तो वो तो वो, हाँ, वो तो हर चीज को करता कर लेता लेकिन हाँ अमेरिका तो, का वो इशू नहीं, नहीं है तो, अमेरिका का को कोई दीन मान नहीं इस मामले में, आ, असूली मौकफ तो नहीं है ना उनका वो तो कहते हैं जी हमारा जो इसराइल जैसे मुल्क जो फैशिस्ट मुल्क है जो कतलेआम कर रहा है उसका तयद कर रहा है अमेरिका तो और क्या रह गया नहीं तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अमेरिका यानी कितने कितना डिपेंडेंट है अमेरिका यानी मतलब चाइना के मुकाबले में मेरे तो के, अमेरिका, इंडिया को चाइना के कर पाकिस्तान रहा है को भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा। उनको ज़रूरत है वो समझते हैं कि हम वी शुड नॉट पुट ऑल आर एग्ज इन द इंडियन बास्केट ये मुझे मेरा ये मुशाह है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से भी हम ताल्लब अच्छे बना के रखें पाकिस्तान को भी हम आ, आ, किसी लेवल पर नॉट एज अस्ट्रेटिजिक पार्टनर लेकिन उससे एक स्टेप बिलो हम उसे रखें अच्छे तल्ल खुशगवार ताल्लुक सियासी सफारती इकतदी और पीपल टू पीपल तो है ही हैं लेकिन वो पायदार दोस्ती नहीं होगी कोई पाकिस्तान की हाँ। पाकिस्तान की वो ये नहीं ये पाकिस्तान को पूरी तरह चीन की गोद में ना जाने दें हम अपना भी रखें रखेंगे इस्लाम तबाद अच्छा इस इसमें लेकिन एक वो टाइम ऐसा नहीं आ रहा कि जहां पर आपको एक डिसीजन लेना होगा ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तान इज टू बिग एंड टू इंपोर्टेंट अच्छा हमें कोई कह सके तुम इस कैंप में आओ वी कैन टेल देम टू टू गो दे

हमारे साथ ही रहा एक दौर में वैसे हमारे साथ अच्छा। बहुत खास था 1990s में हमारा बड़ा करीबी था, क्रेमी था।, था। <laughs> अच्छा अच्छा मुझे नहीं अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें उसका आ, फायदा हमें भी हुआ उनको भी हुआ था उनको भी हुआ था अच्छा वो अच्छा बहरहाल ये मुझे बताएं कि ये ऑटो करेक्ट अपने आप को ठीक करने का टाइम हमारे पास कितना है कि हम इस सारी पॉलिसीज में ये, और साल, मेरे ये साल, बड़ा अच्छा है अमेरिका बिजी हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन में जून तक मोदी भी बिजी अपने इलेक्शन कैंपेन फिर नई गवर्नमेंट आएगी इस वक्त पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक स्पेस है बतालीस साल के बाद हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में कोई बैरूनी फौजी नहीं है ना रूसी है ना अमरीकी है ना कोई और है और बुनियादी तौर पर ओवरऑल सिचुएशन पीस है कोई खाना जंगी नहीं हो रही कोई और नहीं और सी पैक हमारे पास है सेंट्रेशन हम हमारी तरफ देख रहे हैं अरब मुल्क भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ चालों का खास तौर पर सऊदी अरबिया कतर और यू ए और ईरान और अफगानिस्तान से हम मामला ठीक करें तो मेरे ख्याल में हम बड़ा और साउथ एशिया में नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका तो ये चंद अगले चंद महीने पाकिस्तान के लिए उसका एक बुनियाद है पाकिस्तान के अंदर दस्त शफा की जरूरत है हम इतने फ्रंट नहीं खोल सकते एक फ्रंट आपने खोला हुआ है पीटीआई के साथ एक ईरान के साथ एक अफगानिस्तान के साथ एक दहशत गर्दी के फ्रंट है एक इंडिया का फ्रंट है कितने फ्रंट पर आप लड़ेंगे यू हैव टू डिफ्यूज दैट इतनी कोई रियासत भी इतनी मजबूत नहीं होती कि मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ सकती है अमेरिका जैसे सुपर पावर का क्या हाल हो गया है कि उनकी लड़ाई एक उनकी अंदरूनी लड़ाई चल रही है ट्रंप और बाइडन की और दूसरी लड़ाई चल रही है उनकी गजा में और तीसरी चल रही है चाइना के साथ और चौथी चल रही है रूस के साथ